हम मनुष्य हर प्रकार की और हर कलर की फल और सब्जियां खाते हैं, लेकिन कभी क्या सोचा है कि खून लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी हर प्रकार की फल सब्जी हम लोग खाते हैं, लेकिन जो खून होता है वो लाल ही क्यों होता है? उसी प्रकार जो दूध देने वाले पशु होते हैं वो भी हर तरह की फल सब्जियां खाते हैं, हरी घास खाते हैं, लेकिन उनका जो दूध होता है वो सफ़ेद ही क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न ये है, चूँकि मनुष्य हर प्रकार की हर कलर की फल सब्जी खाता है, जब वो शरीर के अंदर जाती है तो बॉडी उनमें उपस्थित प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि को अपने पास रख लेती है और फालतू की चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल देती है। अब चूँकि ये प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होता है, ये उनका नाम है, इनका कोई कलर नहीं होता है। क्या कभी सुना है कि विटामिन ए लाल कलर का होता है या विटामिन बी ब्लैक कलर का होता है? ऐसा तो नहीं होता ना, ये किसी का नाम है, मतलब ये प्रोटीन है, ये हमारे लिए शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए ये नाम है, इनका कोई कलर नहीं होता। इसलिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और अनेक प्रकार के जो गुणकारी पोषक तत्व होता है उनका एक विशेष कॉम्बिनेशन के कारण जो रंग होता है खून का वो लाल होता है। उसी प्रकार जो दूध देने वाले पशु होते हैं ज़्यादातर वो हरी घास खाते हैं, और हरी घास खाने के बावजूद भी उनका जो दूध होता है वो वाइट होता है। अब इनमें भी जो घास में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं ना, घास में भी प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अनेक प्रकार के मिनरल्स उपस्थित होते हैं, उसकी आप लिस्ट देख सकते हो, ये घास में ये सब उपस्थित होते हैं। तो जब ये घास उनके शरीर के अंदर जाती है तो उनका शरीर उनमें उपस्थित प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को अपने पास रख लेता है और बाकी की चीज़ों को बाहर निकाल देता है। सो उन्हीं प्रोटीन के कारण, उन्हीं मिनरल्स के कारण, उन्हीं गुणकारी तत्वों के कारण उनका एक विशेष कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके कारण जो दूध का कलर होता है वो वाइट होता है। सो ये कारण था कि मनुष्य हर प्रकार की, हर तरह की और हर रंग की चीज़ों को खाता है और खून लाल होता है, और उसी प्रकार जो दूध देने वाले पशु होते हैं वो ज़्यादातर हरी घास खाते हैं, फिर भी उनके दूध का रंग सफ़ेद होता है। सो ये कारण था।